जिला कोडरमा के अंतर्गत सी मोहल्ला में 24 महिलाओं से 21,700 रुपया आशा पूनम किंडो द्वारा ठगा गया। साथ ही संस्था के नाम से एक किंडो नाम से आई तो बोली कि लोग क्या करते हैं लड़िस लोग, कल हम लोग फिर रहते हैं कुछ काम करने नहीं जाते कि कुकड़ी उकड़ी बनाने के मोमबत्ती बनाने के लिए एगो इथी बोर खुला है तो आप लोग जुड़िएगा। तो हम बोले कि हाँ जुड़िएगा, तो कितना करके लेते हैं कि एक आदमी पर 350 रुपया दे दिए हम पैसा। तो बोला कि चलो सब ग्रुप जुट रहा है तो घर में बैठ बैठ के काम करेगी तो इतना पैसा 10,000 आएगी तो 2,500 आप लोग के हो जाएगा बैठने बैठले से कमा लेगी। तो अगर बाद में दे दिए पैसा, अगर बाद में चला गई तो फिर आई कि हम बोले कि दीदी पैसा ले गई तो काम नहीं सिखा रही है कि नहीं रहे से देखो ना आएगा सामान तब ने, तो सामान नहीं बोले आई है अभी आएगी तो आप लोग के हम स्टार्ट कर देंगे। फिर एक बार बाजरिया में कुदल कुदल दौड़ने जाने लगी तो फिर पकड़ के सब लोग आने हाथ बांध दिए, हाथ बांध के दिन भर रखे तो बोलो दे देंगे पैसा दे देंगे। फिर थाना ले गए तो थाना में कागज लिखाए तो वहाँ थाना में सब गई सब महिला तो वहाँ पर अपने कागज लिखा है 18,000 वहाँ इथी हुआ कि बोले एक मिट्टी में तो हम 20 दिन के अंदर में हम पैसा बोल दे देंगे। बाद में इसको घर गए तो कभी ताला लगा कभी कुछ लगा तो कभी तो नहीं है देवघर गए है तो कभी रांची तो कभी पटना ही इस तरह कभी ना पकड़ाई। इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से नम्र अपील करती हूँ कि जिला गोड्डा के डायरेक्टर नीरज कुमार को 9564131144 पर कॉल कर दबाव बनाए कि दलित महिलाओं से लिया गया पैसा वापस दिया जाए जिससे महिलाएं रोजगार कर सके। मैं विनती विश्वकर्मा जिला कोडरमा झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।